हैई hey गाइस, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे पावर एंड द ग्लोरी जो कि एक बहुत ही फेमस नॉवल है ट्वेंटी सेंचुरी की जिसे लिखा है ग्राहम ग्रीनी ने ग्राहम ग्रीन जो हैं ये ब्रिटिश ऑथर हैं और बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे ट्वेंटी सेंचुरी का जिनका टाइम पीरियड था ये जो ऑथर हैं इनका जन्म हुआ था सेकेंड अक्टूबर नाइन्टीन में एंड ही वॉज डाइड ऑन थर्ड अप्रैल नाइनटीन में तो ये जो नावल इन्होंने लिखी है ये जो प्ले इन्होंने लिखा है द पावर एंड द ग्लोरी इसका जो टाइटल है ये एक लॉर्ड की जो प्रेयर थी उसमें है कि फोर्थ इज द किंगडम द पावर एंड द ग्लोरी फॉर एवर एंड एवर अमेन कि जो किंगडम की जो पावर है ये जो ग्लोरी है ये हमेशा ही हमेशा बनी रहे अमेन I mean मतलब कि आने वाले हर टाइम तक बनी रहे तो हम इस को आज कवर करेंगे तो स्टार्ट करते हैं तो ये जो पावर इंड द ग्लोरी नावल है इसकी जो सेटिंग रखी गई है ये रखी गई है मैक्सिकन स्टेट में टबासको नाइनटीन थर्टीज़ में और सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि जो नावल है ये फोर पार्ट्स में डिवाइडेड है फर्स्ट पार्ट में चार चैप्टर्स हैं फिर सेकंड पार्ट में भी चार चैप्टर्स हैं थर्ड पार्ट में भी चार चैप्टर्स हैं और फोर्थ पार्ट में सिर्फ एक चैप्टर है तो ये था इसका स्ट्रक्चर कि कैसे डिवाइडेड है और ये थर्ड पर्सन नैरेटिव में लिखी गई है कि मतलब एक कोई सिंगल पर्सन है जो सारी चीजों के बारे में बता रहा है वो खुद इन्वॉल्व नहीं है उसके बारे में और ये पूरी जो नॉवल है ये पास टेंस में लिखी गई है अब बात आती है कि इसमें कहा गया है कि एक्सेसिव आइडियलिज्म के ऊपर बताया गया है कि कितना डेंजरस है कि आइडियलिज्म जो था आइडियलिस्ट थे वो बिलीव करते थे कि जो वर्ल्ड है ये इससे भी खूबसूरत हो सकता है जो कि हम अभी रह रहे हैं इससे भी बेटर हो सकता है तो कैसे ये नॉवल उसे यूज करेगी हम उसे देखेंगे तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो सेटिंग रखी गई है नाइनटीन की मैक्सिकन स्टेट में ये क्या बताती है तो यहां पर बताते हैं कि ये जो किटीज का जो स्टेट था मैक्सिकन स्टेट था इस टाइम पे क्या हो रहा था इस टाइम पे जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे नाइनटीन ट्वेंटीज रियल टाइम है वहां के जो प्रेसिडेंट थे कैलिस उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च को बिल्कुल ही निकाल दिया था उसे ऐसा हो गया था कि जो रोमन कैथोलिक चर्च के लोग होंगे उन्हें या तो मार दिया जाएगा या फिर उन्हें अपने शादी करनी पड़ेगी कैथोलिक्स थे जो शादी नहीं करते थे पूरी जिंदगी कुंवारे रहते थे तो इन इनकी जो सरकार थी इन्होंने इस चीज को बैन कर दिया कैथोलिक चर्च को बैन कर दिया अब जो ग्रीन है ग्राहम ग्रीन ये नाइनटीन में खुद गए थे वहां पर एक बार और जब ये वहां पर गए मैक्सीगन स्टेट में उन्होंने उस चीज को क्लोज तरीके से देखा इनके पर्सनल कुछ एक्सपीरियंसेस रहे थे और उसके बाद इन्होंने इस चीज़ को लिखा इस, इस वर्क को लिखा तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में सबसे पहले ये नॉवल जो है ये स्टार्ट होता है कि एक प्रेस्ट है और ये जो प्रिस्ट है ये अनोनीमस है पूरी नोवेल में इसका हमें नाम नहीं पता है इसे विस् प्रीस्ट प्रिस्ट बोला जा रहा है जगह जगह पर तो ये जो विस् प्रीस्ट है ये वेट कर रहा है किसी बोट को पकड़ने के लिए ये वहां पे वेट कर रहा है ताकि जो बोट आए और उसे यहां से लेकर चली जाए कहाँ से कैपिटल जो सिटी है मैक्सिको की कैपिटल सिटी से ये चला जाए वो उस बोट में से यहाँ से भाग जाए वो पुलिस से भाग रहा है क्योंकि वो एक लास्ट क्लर्जीमैन है यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की जरूरत है ये लास्ट प्रीस्ट है यहाँ का क्योंकि सरकार ने कहा था इसे इस प्रीस्ट को कि या तो ये अपने कैथोलिसिज्म को छोड़ दे या तो ये मैरिज कर ले और अपनी प्रीस्ट की जो पोस्ट है उसे छोड़ दे या फिर ये मैक्सिको को छोड़ के कहीं भाग जाए और थर्ड ऑप्शन है या तो ये एक वॉन्ड्रर की तरीके से यहाँ वहाँ अपनी जान बचाता हुआ भागता रहे कहीं भी भागे तो ये जो प्रीस्ट है विस्की, प्रीस्ट इसने थर्ड ऑप्शन को अपनाया कि ये अपनी जान बचाकर भागेगा लेकिन शादी नहीं करेगा और अपनी जो प्रीस्ट की पोजीशन है उसे नहीं छोड़ेगा और ना ही मैक्सिको छोड़ेगा यहाँ वहां भागता रहेगा ये तो अब बात आती है कि इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं इसीलिए ये यहाँ से भाग रहा है और पुलिस इसके पीछे पड़ी है क्योंकि ये लास्ट कैथोलिक है कैथोलिक जो प्रीस्ट है तो यहाँ पर ये एक आदमी से मिलता है और उससे बात करता है उसका नाम है मिस्टर टेंच और ये मिस्टर जो टेंच हैं वो उसे बताते हैं कि एक वुमेन है जो मर रही है और उसे उसके घर पे जाना पड़ेगा क्योंकि एज अ प्रीस्ट ये इसका धर्म था इसकी जो ड्यूटी थी कि ये मरने वाले लोगों के कन्फेशन सुने क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी है वहां पर ये माना जाता है कि जो डाइंग पर्सन होता है वो मरने से पहले अपने सारे गुनाहों को अपने सारे सिंस को कन्फेस करके जाता है तो प्रिस्ट वहां पर जाता है और जिसकी वजह से ये अपनी बोट को मिस कर देता है अब इसे अपनी बोट मिस कर दी और जब ये वहां से वापस आता है तो फिर ये यहाँ वहां छुप रहा होता है यहाँ वहां छुपता घूमता है ये कुछ बाढ़ में झाड़ियों में छुप जाता है और वो जो बाण होता है वो एक प्लांटेशन ऑनर का होता है और वहां पर छुपा होता है वहीं पे कुछ दिन रहता है तो यहां, वहां पर ये क्या करता है जो प्लांटेशन ऑनर है उसकी बेटी से दो के साथ दोस्ती कर लेता है और उसके बाद फिर से ये भागना शुरू करता है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसे यहां वहां भागना ही पड़ेगा जिंदा रहने के लिए और अब ये जब जाता है तो ये एक ऐसे गाँव में चला जाता है एक ऐसे स्टेट में एक टाउन में पहुंचता है जहाँ पर ये पहले कभी रहा होता है एज अ पेस्टर यहाँ वहां पर उसने जॉब करी होती है अब वहां पर जब ये पहुंच गया तो वहां पर जाके मारिया से मिलता है मारिया इसकी वाइफ है हालांकि ये कैथोलिक था बाहर वाले लोगों के लिए एक प्रीस्ट है कैथोलिक प्रिस्ट है लेकिन फिर भी इसके उसके साथ अफेयर्स थे और इसकी एक इलेजिटमेट डॉटर भी है जिसका नाम है ब्रिगेडिया तो ये सब हमें इसका पता चलता है थर्ड पर्सन प्रोस्पेक्टिव से जो कि हमारी नॉवल थर्ड पर्सन नेरेटिव है उससे पता चलता है अब ये वहां पर जाकर क्या करता है रात हो जाती है और ये क्योंकि एक प्रीस्ट है तो ये उपदेश देना बहुत पसंद करता है तो रात में ये लोगों के मास में जाता है वहां पर उपदेश देता है अब क्योंकि एक देश निकाला है और इसके पीछे पुलिस भी पड़ी है तो जो लेफ्टिनेंट है जो कि सभी धर्म का दुश्मन है उसे पसंद नहीं है कोई भी धर्म तो वो उसे ढूंढता हुआ वहां आता है अब यहाँ पर एक

प्रीस्ट है वो क्या करता है इतने टाइम में वो यहाँ से भाग जाता है और भाग कर कहाँ पहुँचता है टाउन ऑफ कैरमिन में वो वहाँ चला जाता है और वहाँ पर जाके वो एक आदमी से मिलता है जिसका नाम है मेस्टिजो मैस्टिजो का मतलब होता है कोई दोगला आदमी तो यहाँ पर वो जो मेस्टिजो है ये हाफ इंडियन और हाफ ऑस्ट्रेलियन है और वो क्या करता है प्रीस्ट उसे बोलता नहीं है फिर भी जो मेस्टिजो है वो बिना इन्वाइट करे ही उसके पीछे पीछे चलने लग जाता है उसके साथ रहने लग जाता है लेकिन जो मेस्टिक जो है वो उसकी हेल्प नहीं करना चाहता बल्कि उसके तो ये प्लान्स हैं कि वो इस प्रीस्ट को पकड़वा देगा और इसके नाम पे जो इसकी नाम राशि रखी गई है ये उसे खा लेगा अब जो प्रिस्ट है वो उसे बताता है कि वो एक प्रिस्ट है और उसके बाद उसे वो ना पकड़वाए लेकिन जो मैस्ट्रिक जो है वो पकड़वा भी नहीं सकता क्योंकि इतना चलने के बाद उसे फीवर हो गया और वो उसे फॉलो नहीं कर सकता तो वो सोचता है जो प्रीस्ट है वो सोचता है कि वो यहाँ पर रहेगा तो पक्का पकड़ा जाएगा उसे पकड़ लिया जाएगा तो वो क्या करता है वो कैपिटल सिटी जो है वहीं पर वापस जाता है लेकिन इस बार क्या करता है वो वेश बदल लेता है ड्रिल सूट पहन लेता है और थोड़ी सी गेटअप अपना चेंज कर लेता है अब उसे एक वाइन चाहिए यहाँ पर वाइन का ये है कि उस टाइम पे जो मैक्सिकन सिटी थी मैक्सिको था वहां पर वाइन्स को बैन कर दिया गया था तो इसे अब एक वाइन चाहिए ताकि वो उपदेश दे सके तो इसे वहां पर एक भिखारी मिलता है जो कि इसे एक होटल में लेके जाता है कि वो उसे वहां पर होटल में एक ब्रांडी ऑफर करेगा अब जो होटल का मैनेजर है वो आता है वो इसे ब्रांडी देता है और वो खुद भी इसके फल ब्रांडी पी लेता है क्योंकि उसे ऑफर करता है अब जब ये वहां से ब्रांडी ब्रांडी पी के निकलता है ड्रिंक होके निकलता है तो जो पुलिस है वो इसे पकड़ लेती है इसके हाथ में बॉटल भी होती है ब्रांडी की तो वो इसे पकड़ लेती है और इसे लेके जाते हैं स्टेट ऑफिस में ये बोल रहे होते हैं कि उसे लेके जाएंगे लेकिन जो प्रीस्ट है वो यहाँ से भागना शुरू करता है और एक पादरी है जिनका नाम है पादरी जोस वहाँ पर जाके छुप जाता है उनके वहाँ घर में जाके रेफ्यूज हो जाता है वहाँ पर छुपा रहता है रेफ्यूजी बन जाता है लेकिन वहाँ से इसे पकड़ लिया जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है अब जो पादरी जोश है ये क्या है इन्होंने सरकार के डर से शादी कर ली है ये भी पहले रोमन कैथोलिक थे लेकिन इन्होंने शादी कर ली है तो अब वो जब जेल में चला गया जो प्रीस्ट है हमारा विस्की प्रीस्ट है उसे जेल में डाल दिया गया तो वो जेल में जाके सभी लोगों को जितने भी वहां के प्रिजनर्स थे उन्हें बताता है कि मैं एक प्रीस्ट हूँ और फिर भी मुझे यहाँ पर डाल दिया गया है वहां पर एक और औरत और से उनके आर्ग्यूमेंट हो जाती है और वो औरत वो है जिसे यहाँ पर इस शक पर डाला गया है कि उसके घर में कुछ दिनों पहले ही कुछ रिलीजियस आर्टिकल्स मिले थे और वहां पर रिलीजन बिल्कुल बैन कर दिया गया था इसके बाद वुमेन को भी जेल में डाल दिया है अब बात आती है अगले दिन की तो अगले दिन क्या होता है कि जो जो ऑफिसर्स हैं वो इसे बोलते हैं कि अपना जो सेल है उसे साफ करे क्लीन करे और यहाँ पर ये फिर से मैस्ट्रीजों से मिलता है वो जो दोगला इंसान था जो इसे पकड़वाना चाहता था ये फिर से मैस्ट्रेजों से मिलता है लेकिन इस बार जो मैस्टिजोर है वो बोलता है कि इसे पकड़वाएगा नहीं और अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि यहाँ से निकल जाता है और इसे फिर से लेफ्टिनेंट मिलता है लेकिन इसके बाद फिर से ये फायदा हो गया कि लेफ्टिनेंट इसे पहचानता नहीं था और ये फ्री था एक बार फिर से यहाँ वहां घूमने के लिए अब ये जाता है अपनेडेंट स्टेट्स में अब वहां पर उस गांव में जब ये जाता है ये वहाँ पर एक इंडियन वुमेन से मिलता है अब इंडियन वुमेन का एक लड़का था जिसे कि एक अमेरिकन एक अपराधी था एक गुंडा टाइप में था जिसे उसे भी एक पुलिस पुलिस वाले ढूंढ रहे थे लेकिन उस गुंडे ने वो जो उसका नाम है ग्रिंजो अब उस ग्रिंजो ने क्या किया है उस इंडियन वुमेन के लड़के को मार दिया है उसे गोली मार दी है और वो भी पुलिस से भागा हुआ घूम रहा है तो अब जो हमारा विस्की प्रीस्ट है वो क्या करता है वो मिस्टर लहर के घर जाता है जहां पर रिलीजन को बैन नहीं किया गया है धर्म पर पाबंदियां नहीं है तुम वहां जा सकते हो और वहां तुम्हें कभी नहीं तो जो प्रीस्ट है कुछ दिन मिस्टर लहर के घर पे रहते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि अब वो लेस कैसक जाएंगे लेकिन उसके जाने से पहले जब वो निकल रहे होते हैं कैसकिस के लिए उससे पहले ही मैस्टी जो फिर से आता है और उसे बताता है कि जो ग्रिंगो था जो अपराधी था जिसने इंडियन वुमेन के लड़के को गोली मारी थी वो उसे पुलिस ने पकड़ लिया है और वो बहुत ज्यादा वोंडेड है और वो कन्फिस कन्फिस करना चाहता है अपने गुनाहों को उसने अपनी जिंदगी में जो भी किया है यहां पर एक ट्विस्ट होता है कि जो प्रीस्ट है उसे पता है कि ये उसके लिए जाल बिछाया जा रहा है और ये इसमें फंस जाएगा ये इसकी एक ट्रैप है पर फिर भी वो एज अ प्रीस्ट ये उसकी ड्यूटी होती है कि वो अगर कोई कन्फेस करना चाहता है अपने लास्ट टाइम पर तो वो उसको मना ना करे और वो वहां पर जाता है लेकिन यहाँ पर जाने से क्या होता है जो ग्रिंगो है वो अपने किसी भी सेंस को सिंस के लिए रिपेंट नहीं करता है ना ही उसे स्वीकार करता है कि हाँ ये ये करता है और वो मर जाता है लेके ले जाता है बात यहाँ पर आती है जो लेफ्टिनेंट है वो जो पादरी जोस थे जिसके घर पे वो भागते हुए रेफ्यूजी भी बना था उनसे पादरी जोश से बोलता है कि क्या तुम ये जो हम विस्की प्रीस्ट को लेकर आए हैं इसका कन्फेशन सुनोगे लेकिन वो मना कर देता है जिसके बाद लेफ्टिनेंट एक बॉटल ले जाता है ब्रांडी की बॉटल और जाता है अपने ऑफिस में पुलिस स्टेशन में ताकि वो शायद ब्रांडी पी के अपने सारे गुनाहों को कन्फेस्ट कर दे और उस रात जो प्रीस्ट है विस्की प्रीस्ट है बहुत ज़्यादा कोशिश करता है रिपेंट करने की अपनी कन्फेस्ट करने की लेकिन उसे कर नहीं पाता और अगले दिन उसे बहुत ज़्यादा डर है कि उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा उसे फांसी लगा दी जाएगी कुछ दिनों बाद अब जो मिस्टर टेंच है जिससे ये सबसे पहले दिन मिला था जब हमारी नॉवल स्टार्ट ही हुई थी तब मिला था जो बताता है कि एक वन है जो मर रही है और जिसके चक्कर में इनकी बोट मिस हो गई थी अब जो मिस्टर टेंच है वो देखते हैं एक ऑफिसर्स की विंडो से देखते हैं एक ऑफिस की विंडो से देखते हैं कि जो विस्के प्रीस्ट है इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया है अब बात आती है एक बॉय की एक बॉय है जिसे ये पता चलता है कि जो एक प्रीस्ट थे वो ऐसे जा रहे थे भाग रहे थे कैथोलिक थे उन्हें मार दिया गया है उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया है तो ये बच्चा उन्हें हीरो समझने लग जाता है, समझने लग लग जाता जाता है जो सैक्रिफाइस है जो हीरोक्रीफाइस करते हैं और उस रात वो बच्चा उसके बारे में सपना भी देखता है और सुबह उसके गेट पे कोई नॉक कर रहा होता है जिसकी आवाज से उस बच्चे की नींद खुलती है और जब वो गेट खोलकर देखता है तो देखता है कि एक आदमी उससे शेल्टर मांग रहा है उससे रहने के लिए जगह मांग रहा है और उसे पता करने पे पता चलता है कि वो एक आदमी वो जो आदमी है वो एक प्रीस्ट है तो वो बच्चा उस प्रीस्ट के लिए अपना पूरा गेट खोल देता है कि वो अंदर आए और यहीं पर ये यह नॉवल है जो ख़त्म हो जाती है और आई रियली होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू